मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पेट से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लें। हमारे पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा अपने घर में है अजवाइन। अजवाइन ले लें, कच्ची अजवाइन सबके घर में है। आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच गुड़, दोनों मिलाएं और चबा के खाएं, पीछे से गर्म पानी पी लें। और ये रात में ही खाएं सोते समय। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, पेट साफ नहीं होता, वो रात को सोते समय एक चम्मच गुड़, आधा चम्मच अजवाइन मिला के चबा के खाएं और पीछे से गर्म पानी पिए। सुबह उठते ही पेट साफ होगा आपका, शायद एक मिनट भी आप वेट नहीं कर। इतना बढ़िया मेडिसिन है ये अजवाइन। और एक अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, त्रिफला चूर्ण। एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से रात को ले लें, नहीं तो गर्म दूध से ले लें, बहुत अच्छी दवा। और एक तीसरी दवा है अनार का रस पिए, पेट साफ होता है। चौथी एक दवा है अंगूर का रस पिए, बहुत पेट साफ होता है। अनार चबा के खाएं तो भी पेट साफ होगा, अंगूर चबा के खाएं तो भी पेट साफ होगा। सलाद ज़्यादा खाएं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, पेट बराबर साफ होगा। और एक बड़ी को बिल्कुल मुफ्त का इलाज बताता हूँ, अगर आपको अच्छे से पेट साफ रखना है अपना। खाने को खूब चबा चबा के खाएं तो कभी भी पेट साफ ही होने वाला है। जल्दी खाना ना खाएं, बस इतनी सी बात। एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डालें, 32 बार चबाएं, जितने दांत उतनी बार चबाएं। तो खाना बिल्कुल पानी की तरह होके शरीर में उतरे तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। बस इतना सा ध्यान रखें, खाना चबा चबा के खाएं और पानी घूट घूट करके पिए, सिप करके पानी पीने की आदत डालें।